पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर। ये देखिए छत के ऊपर थोड़ा सा ये मैं बना के दिखा रही हूँ आपको टेरेस पे। ये है गर्मियों के सीजन आ गया तो गर्मियों के फल भी आ गए। ये देखिए ये है तरबूज, कुछ मैंने इस तरह से काट के रखे हुए टुकड़ों में। और ये है खरबूजे, खरबूजे के टुकड़े थोड़े से। उनको मैं 10 लीटर पानी है इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही इसमें फिर ये तरबूज के भी डाल देंगे। ये वाले ये है बनाना पील, केले के कुछ छिलके हैं जिनमें कि बहुत ही मात्रा इसकी आयरन की होती है। पेड़ पौधों के लिए, हर एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और ये है झाल, दही की लस्सी बनाई है मैंने थोड़ी सी, ये देख सकते हैं आप। इसको भी इसमें थोड़ा सा डालेंगे। और ये थोड़ा सा गुड़ है, इसको भी डालने के लिए ताकि इसके बिटकी इसके जो जल्दी से बन जाए। टीरिया जल्दी फैलेगा, इसको गुड़ को ज़रूर डालना है इसके बीच में। और ये देखिए ये 24 घंटे के लिए इसको ऐसे ढक के रख दे ठंडे ठंडी जगह पे रूम टेम्परेचर के लिए, जहाँ पे रूम टेम्परेचर जितनी गर्मी हो, ज़्यादा तेज़ गर्मी में नहीं रखना है इसको, ये ख़राब हो जाएगा। देखिए 24 घंटे बाद आप अपने पौधों को ये दे सकते हैं, छान के दे दें अपने पौधों को। इसको मैं अब ढक के रखने लगी हूँ 24 घंटे के लिए, फिर इसको बाद में ये तैयार हो जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।